हे वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं अपने फर्स्ट DSLR का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि ये DSLR कौन सा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने कैनन 200D DSLR परचेस किया है और ये मेरा फर्स्ट DSLR है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस DSLR को खरीदने से। और ये वीडियो इसकी इस समय जो वीडियो शूट हो रहा है वो भी कैनन 200D उसी कैमरे से शूट हो रहा है। तो इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से शूट किया हूं तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। और दोस्तों ये मेरे YouTube चैनल का सबसे महंगा अनबॉक्सिंग भी होने वाला है, तो चलिए दोस्तों अब अनबॉक्सिंग देखते हैं। और अनबॉक्सिंग को आप स्किप मत करिएगा क्योंकि उस समय मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूँ। और चलिए अनबॉक्सिंग देखते हैं, उसके बाद भी मैं मिलता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ कैनन 200D के बारे में। तो दोस्तों ये रहा कैमरा का बॉक्स और बॉक्स के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैग भी है। तो बैग को अभी साइड में हटाता हूँ क्योंकि अब इसको मैं बाद में दिखा दूंगा लास्ट के वीडियो में। और दोस्तों तो ये रहा कैमरा का बॉक्स है और देख सकते हैं यहाँ पे इसका सील टूटा हुआ है, तो मतलब ये मैं पहले से ही बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ क्योंकि जब मैं इसे लिया था तो इसको ओपन करके देखना था। तो इस बॉक्स को मैं इस कैमरे को ओपन कर चुका, फिर भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं डबल किट लेंस लिया है, यहाँ पर देखिए US 200D लिखा है और यहाँ पर डबल किट 18-55 mm लेंस और 55-250 mm वाला लेंस लिया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, 16 GB का कार्ड यहाँ पे इनसाइड फ्री मिला है और यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जैसे कि 24 MP का कैमरा है इसमें, ISO का इन्फॉर्मेशन, फ्रेम रेट और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो कि इसका हाईलाइट है। और इसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस मिलता है जो कि कैनन 80D में मिलता है, तो ये कैनन उसके हाफ प्राइस में है कैनन 200D, तो इसके अंदर भी ये फंक्शन दिया गया है। और यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले है और वाईफाई NFC का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बॉक्स के सेट चलते हैं तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 55,695 पर, दोस्तों मुझे इतने में नहीं पड़ा है। और इंक्लूडिंग RTX भी लिखा है अंडर GST। ओके, तो इधर कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। और पीछे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI के अब जितने भी पोर्ट्स मिले हैं आपको कैमरे में। और यहाँ पे अदर लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो आप वीडियो को पॉज करके अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इधर भी देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, यहाँ पे कैनन 200D लिखा है। तो चलिए दोस्तों अब बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को मैं पहले से ही ओपन कर चुका हूँ तो फिर भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो बॉक्स सिंपली ऐसे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड यहाँ पे मिलता है, वारंटी कार्ड ये सब। तो इसको अभी साइड में हटाते हैं और इस बॉक्स को ऐसे ओपन करते हैं तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे 16 GB की मेमोरी कार्ड फ्री मिलती है। और तो इसके बाद ये रहा कैमरे का स्ट्रैप जो कि आप इसको कैमरे में लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए चार्जिंग केबल है और ये चार्जिंग केबल, ये बैटरी रहा तो देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी है और ये बैटरी है 1040 mAh की इसमें बैटरी दी गई है। तो इसको भी अभी साइड में हटाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। और ये रहा चार्जर दोस्तों, ये चार्जर मिलता है आपके साथ इस बॉक्स में। और ये देखा है अगर आपका बैटरी चार्ज हो रहा है तो ये लाइट बरेगा, इंडिकेट करेगा, और जब ये आपकी बैटरी फुल हो जाएगा तो यहाँ पे फुल का ऑप्शन देख सकते हैं, फुल लिखा हुआ है, तो इसके बाद ये वाली लाइट जल जाएगी तो आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, तो आप निकाल सकते हैं अपने चार्ज में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो लेंस मिल रहे हैं, ये 18-55 mm लेंस है और ये 55-250 mm लेंस है। तो दोस्तों मैं सिंगल लेंस लेने की सोच रहा था पर दोस्तों मुझे आउटडोर फोटोग्राफी करनी थी जिसके लिए ये लेंस बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसको लिया, इसके साथ लिया डुअल किट लेंस के साथ। और ये रहा कैमरे की बॉडी, तो सबसे पहले 18-55 mm लेंस देख लेते हैं, तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 18-55 mm लेंस। और चलिए तो इसको बाद में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, कैमरे में लगा के भी दिखाऊंगा, अभी सैंपल शॉट भी दिखाऊंगा कुछ, क्योंकि अभी मुझे कैमरा यूज़ करने उतना आ नहीं रहा है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं और कैमरे की बॉडी पहले निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों कैनन 200D बहुत ही छोटा कैमरा है, बहुत ही कॉम्पैक्ट कैमरा माना जाता है अपने बजट में, और DSLR होने के बाद भी ये बहुत ही छोटा है, कैनन 700D से काफ़ी हल्का है। तो दोस्तों ये रहा कैमरे की बॉडी, यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डेबल स्क्रीन मिल जाती है और टच स्क्रीन इसके अंदर दिया गया है। तो
और यहाँ पे अभी मैं आपको लगा, यहाँ पे देखिए बैटरी कंपार्टमेंट और मेमोरी कार्ड कंपार्टमेंट दिया गया है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड और बैटरी लगा सकते हैं। अरे ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ तो ये रहा, यहाँ पे आप बैटरी और मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। तो अभी मैं लगा के आपको दिखाऊंगा, तो इसको भी अभी साइड में रखते हैं। और ये रहा 55 to 200 to 250 लेंस, 55। हाँ और ये इसको ओपन करते हैं। तो ये बहुत ही सेफ्टी के साथ आता है, क्योंकि ये काफ़ी, अगर इसको आप अलग से लेते हैं तो शायद आपको ये 10,000 के करीब पड़ेगा। तो मैं अगर इसका, मैं कैमरे का भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप परचेस करना चाहते हैं, और इस लेंस का भी अलग से लिंक दे दूंगा कि आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये रहा 55 से 250 mm लेंस। तो ये किट लेंस है, इसके साथ दोनों किट लेंस मिलता है दोस्तों। आपको प्राइम लेंस अलग से खरीदना पड़ता है अगर आप पहली बार DSLR खरीद रहे हो तो, मैं आपको बता दूं। तो इसको भी साइड में रखते हैं अभी के लिए। और दोस्तों अभी मिलते हैं, इस सब चीज़ों को हटाने के बाद आपको कैमरे के बॉडी पे मिलते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों इतनी चीज़ मिलती है आपको बॉक्स के अंदर। तो अब मैं एक एक करके सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चार्जर केबल दिखा के, इस चीज़ आपको दिखा के तुरंत हटा देता हूँ इस चीज़ों को। तो दोस्तों ये है चार्जिंग केबल, आप देख सकते हैं। और देखो दोस्तों इस चार्जिंग केबल को आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद ये बैटरी है, तो बैटरी को सिंपली इसमें लगा देना है। यहाँ पे देखिए लगाने के लिए भी बताया है, इस तरह लगा देना है और इसको प्लग इन करना है, तो ये बैटरी चार्ज होने लगेगा। तो मैं अभी बैटरी को निकाल लेता हूँ, अभी कैमरे में लगा के आपको बताने वाला हूँ। तो इसको भी अभी हटाते हैं साइड में। और ये दोस्तों ये 16 GB की मेमोरी कार्ड है, मिलती है इस कैमरे के साथ दोस्तों। ये देखिए ये मेमोरी कार्ड सेट, ये मेमोरी कार्ड मिलती है आपको। तो अभी इस मेमोरी कार्ड को भी लगाएंगे। और एक कैमरा स्ट्रैप है दोस्तों, रुकिए मैं उसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं इस कैमरा स्ट्रैप को कैसे कैमरे पे लगाते हैं इस पे भी एक वीडियो मैं बना के दिखा दूंगा, क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छे तरीके से अगर ना लगे तो आपका कैमरा गिर भी सकता है। तो इसलिए मैं आपको इस पे वीडियो बना के भी दिखा दूंगा। तो इसको भी हटा दें अभी साइड में, और कैमरे में अभी बैटरी और मेमोरी कार्ड लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैटरी और मेमोरी कार्ड का कंपार्टमेंट दिया गया है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए आप बैटरी लगा दीजिए, और ये रहा मेमोरी कार्ड। हाँ तो इसमें बैटरी और मेमोरी कार्ड लग चुका है। तो अभी इसमें आप, अभी हम इसमें किट लेंस लगा लेते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं तो कैमरे में सबसे आसान काम होता है उसमें लेंस लगाना। तो मैं अभी आपको बता देता हूं तो कैसे लगाना है। तो आपको इसके पीछे वाला कंपार्टमेंट ऐसे खोलना है घुमा के सिंपली। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इस पे कभी डर्ट वर्ट ना लगे, क्योंकि ये दोस्तों अगर इस पे गंदा लग जाएगा तो आपका मतलब कैमरे की क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये इसको भी ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैमरे का सेंसर इसके अंदर है, तो इस पे भी कुछ डर्ट उठ ना लगे। और अगर आप DSLR खरीदे हैं तो उसके साथ एक किट, उसका क्लीनिंग किट भी खरीद लीजिए। अभी मैं उसको ऑर्डर किया हूँ, वो आएगा कुछ दिन में। तो दोस्तों क्लीनिंग किट खरीदना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप DSLR खरीद रहे हैं। 350 का इंटरनेट पर आता है, अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं तो आपको सस्ते में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों DSLR में लेंस लगाने के लिए ये देखिए व्हाइट मार्क देख रहे हैं, और कैमरे में यहाँ पे व्हाइट मार्क है। तो दोस्तों सिर्फ इसको और इसको मिलाना है, मिलाने के बाद ये इसको ऐसे घुमा देना है, बस ये फिट हो जाएगा। आपको आवाज़ आएगी थोड़ी सी और आपको पता चल जाएगा कि ये फिट हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा आसान होता है इस लेंस को निकालना। आप सिंपली यहाँ पे एक बटन है, उसको दबाए रहेंगे और इस कैमरे को ऐसे घुमाएंगे और ये निकल जाएगा। तो अभी मैं इस लेंस को लगा देता हूँ। और ये है कैमरे लेंस के ऊपर कैप मिलता है। तो ये सब पे ज़्यादा ध्यान देना है कि इस पे डर्ट उठ ना लगे। अगर इस बॉडी पे लगता है तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं, पर अगर इस पे लगे तो आप इस पे कपड़े से साफ़ करने का बिल्कुल भी गलती ना करें। तो दोस्तों अभी आपको मैं 18 से 55 mm किट लेंस का कुछ सैम्पल वीडियोज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं इसके कुछ सैम्पल वीडियोज़ पे। तो
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको कैमरे का अनबॉक्सिंग और सैंपल वीडियोस और फोटोज़ पसंद आए होंगे। तो अभी मुझे DSLR कैमरा उतने अच्छे से यूज़ करने नहीं आ रहा है, अगर अभी मैं बहुत बेसिक सेटिंग में यूज़ कर रहा हूँ, पर इस समय मैनुअल मोड पर यूज़ कर रहा हूँ और 55 से 250 mm किट लेंस के साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ दिन में जब मुझे सेटिंग्स अच्छे तरीके से आ जाएंगे तो मैं इससे भी बढ़िया वीडियोज़ लाऊंगा, और 50 mm लेंस कुछ दिन में आने वाला है तो उसके साथ उसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो अपने चैनल पर आएगा, और 50 mm लेंस के साथ और भी बैकग्राउंड ब्लर हो पाएगा, क्योंकि अभी जो बैकग्राउंड ब्लर है मैं यूट्यूब से कुछ सीख के और इतना ही बैकग्राउंड ब्लर कर पाया हूँ। तो दोस्तों आप कैनन 200D के और भी फोटोग्राफीज देखना चाहते हैं फ्यूचर में, और भी जो फोटोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ जब मैं कैमरा अच्छे से चलाना सीख जाऊँगा, अभी भी कुछ फोटोज़ अपलोड है मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आप वहाँ मेरे इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं फोटोज़, इस कैमरे से खींची गई फोटोज़। तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है मेरा यूज़र नेम, इंस्टाग्राम यूज़र नेम, तो वहाँ सर्च करके आप देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे इंस्टाग्राम फ़ोटोज़ पसंद आते हैं तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये आप कैमरा परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कैमरे का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हैं। मैं डुअल किट लेंस लिया हूँ तो मैं आपको सिंगल किट और डुअल किट दोनों कैमरे का लेंस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आप यहाँ पर मैं कोई भी टॉपिक छोड़ दिया हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। हैव अ गुड डे।